हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ योर एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू चैप्टर, दैट इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th, एंड माय चैप्टर्स नेम इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। Before proceeding in our chapter, I must say you or tell you what are the preface of it. मतलब आज हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। हम पहली चीज तो पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, जो हमारी कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो समय वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है, ये हमारा चैप्टर 3 है क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसा कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, ये तो अलग से टॉपिक है, मैं आपको बाद में करवाऊंगी। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको पहले कुछ और इम्पोर्टेंट अप्रोचेज होते हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, जो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, जो हम आज देखेंगे। बस मैं आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है, जो कि मेरा एक वन ऑफ द प्रीफेस का टॉपिक है। कंज्यूमर क्यों कौन होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर कैन बी डिफाइंड एज एनी पर्सन हु कंज्यूम एनी गुड्स इन रिटर्न ऑफ मनी। ये वो पर्सन होता है जो अपने पैसे के बदले किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, किसी भी चीज को लेता है। वो चीज क्या हो सकती है, कोई भी चीज। सपोज करो इस वक्त अगर मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए चीज लेने, आई हैव 100 रुपीज, तो ये मेरे पास अगर 100 रुपीज है, आई विल गो टू मार्केट एंड बाय एनीथिंग, वट एवर आई वॉन्ट टू, जो भी मुझे खाना, आई विल बाय इट। अब मैंने इस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज को जो कंज्यूम किया वो मेरी ईटिंग के लिए है। मतलब मैंने कुछ ईटिंग का गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया। सपोज करो आई एम इन द शॉर्टेज ऑफ पेन्स, मुझे पेन्स चाहिए, और मैंने अपने फिर 100 रुपीज निकाले और मैं पेन लेने चली गई। मैंने अपने पेन्स ले लिए जो कि स्टेशनरी का आइटम है, देन मैंने अपने इस पर मैंने स्टेशनरी के गुड्स को कंज्यूम किया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया, और किसके बदले में किया, मनी के बदले में। मतलब पैसे के बदले कुछ ना कुछ मैंने गुड्स को कंज्यूम किया। कंज्यूमर आपका एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी कोई भी चीज को कंज्यूम। अब किसकी चीज, मैं आप कह रही हूं हु इज रेफर्ड हियर, तो हु होता है हमारा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोड्यूसर के गुड्स को कंज्यूम करता है, और वो कंज्यूम करने में, अब इसमें प्रोड्यूसर का क्या फायदा होता है, प्रोड्यूसर को वो पैसे देता है, जितनी उसकी अमाउंट एक प्रोड्यूसर डालता है वो उसके उस पर पैसे देता है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका कंज्यूमर कौन होता है। अब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जाके ये चैप्टर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, आगे जाके आपका चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी आएगा, 12th में भी आएगा, या आपके ग्रेजुएशन में भी आएगा। तो इक्विलिब्रियम का अगर मैं इकोनॉमिक्स का वर्ड ना देखूं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वैसे शब्दों में सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है जब कोई पर्सन कोई गुड, सपोज करो मुझे किसी कोई काम कर, से टीचिंग इज माई प्रोफेशन एंड आई गेट सेटिस्फेक्शन, आई गेट इक्विलिब्रियम बाय इट। मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, मुझे टीचिंग से सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी का कोई काम हो, कोई अगर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसको अपने उस काम से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कोई पर्सन कोई काम करता है और उसे उसका सेटिस्फेक्शन मिला। अब ये तो मैंने सर्विसेज का सेटिस्फेक्शन या सर्विसेज का इक्विलिब्रियम बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है टीचिंग, डॉक्टरिंग, लॉयर, ये सारी आपकी सर्विसेज होती है। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके कंज्यूमर्स का क्या होता है, मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि कंज्यूमर्स में या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है,
तो इसका मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका एक ऐसा काइंड होता है जिसमें अगर आप आपके कंज्यूमर ने कुछ चीज पे आउट करी, कुछ चीज खरीदने के लिए, और उसे उससे रिलेटेड सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो वो आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कहलाता है। सपोज करो मैंने 100 रुपीज अगर अपने किसी चीज में स्पेंड की, किसी भी चीज में, मान लो सपोज करो मैं एक रजिस्टर लाई बढ़िया सा, ये स्पाइरल मान लो, तो मैंने अपना जो पैसे खर्च करे, अगर वो मेरी, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मतलब अगर 100 की चीज से मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वो एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया। और एक हर कंज्यूमर का हक बनता है, वो जितना पे आउट करे उसे उतना सेटिस्फेक्शन मिले। एक और बात बताती हूँ, सपोज करो मैंने अपने 100 रुपीज स्पेंड करे और जो मेरा रजिस्टर आ गया वो फटा हुआ आ गया, फटने की इंग्लिश टॉर्न, वो ऑलरेडी टॉर्न आ गया, वो फटा हुआ आ गया, और मुझे तो उसको अच्छा लगा नहीं, वो जो मेरी फटा हुआ चीज आ गई, तो मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं उस बात का। तो अब क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पैसे लॉस में चले गए, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो आपसे अगर कोई बात करे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वैसे मैं इसकी अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब कोई कंज्यूमर कुछ पैसे पे आउट करता है और उसे उससे के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैंने 100 रुपये पे आउट किए, मुझे 200 का रजिस्टर मिलना चाहिए था या मुझे उससे ज्यादा का मिलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं कह रही। अगर मैंने चलो कोई बात ना, कोई 10 रुपए की भी कॉपी खरीद रहे, छोटी कॉपी, अगर उसे उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन मिल रहा है देन दैट्स ओके, अगर नहीं मिल रहा तो ये आपके इकोनॉमी के रूल के खिलाफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी आने वाले टॉपिक्स की। जो कि अब हमने जो अपने प्रीफेस में देख लिया था, मैंने आपको कंज्यूमर बता दिया, कंजप्शन बता दिया, इक्विलिब्रियम मैंने अपने टॉपिक में नहीं बताया था, बट मैंने इक्विलिब्रियम का भी मतलब आपको समझा दिया। अब ये जो सारी टर्म्स है ये इसी से रिलेटेड है जो अब हम पढ़ेंगे, यूटिलिटी की। तो पहले हम देखते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। देखो ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, यूटिलिटी का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है, वही इक्विलिब्रियम मान लो जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं अपनी जेब से कोई पैसा पे आउट कर रही हूँ, अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे मैं कहूंगी यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन। जब भी अगर कोई कस्टमर अपना कुछ भी मनी स्पेंड करता है किसी भी चीज को बाय करने के लिए, अगर उस पर्सन को उस अकॉर्डिंग उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग उस वैल्यू की उसे गुड्स मिल रही है, तो वो होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी जब भी वर्ड आए, यूटिलिटी कह लो, सेटिस्फेक्शन कह लो, या इक्विलिब्रियम कह लो, तीनों एक ही बात है। अगर आपसे कोई यूटिलिटी की डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन विच अ कंज्यूमर गेट्स बाय बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट। समझ आ गई बात। अब यूटिलिटी तो हमारा हो गया, टिक कर देते हैं। अब हम कर देते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आपकी यूटिलिटी क्या होती है उसे हम कैसे मेजर करते हैं। यूटिलिटी के मेजर करने के दो काइंड्स होते हैं, एक होता है आपके कार्डिनल अप्रोच, एक होता है आपके ऑर्डिनल अप्रोच। देखो अगर हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें, इस देखो पहली बात तो ये, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होती है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो मेजर होगा, और कुछ ना कुछ में क्या आ जाएगा, यूटिलिटी मेजर होगी। कार्डिनल अप्रोच में होता है आपकी यूटिलिटी को आप लोग मेजर करते हो यूनिट्स में। यूनिट्स मतलब आपको कितने अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है। सपोज करो आपने, अगर आपने सपोज करो एक लैपटॉप खरीदा है मार्केट से, तो आपको 1 से लेकर 10 तक इसमें यूनिट होती है, आपको किस अमाउंट का सेटिस्फेक्शन हुआ है, आपको फर्स्ट रैंक का, फर्स्ट यूनिट यानी
बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत सेटिस्फाई हुआ अपने लैपटॉप को लेके। या सेकंड होता है, सेकंड यूनिट अच्छा है, बहुत अच्छा है। थर्ड, अगर हम ऐसे सो ऑन, अगर हम ऐसे करके 10th यूनिट आ जाए तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आपका लैपटॉप खराब है, आपको रत्ती भर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उसे देख के, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच वी मेजर्स द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी इन यूनिट्स। फिर होती है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच इसकी उल्टी होती है, इसमें यूनिट्स में मेजर करते हैं। इन दिस वी डू नॉट मेजर एनीथिंग, वी डू नॉट मेजर यूटिलिटी इन यूनिट्स। इसमें हम यूनिट्स में मेजर नहीं करते। अब यूनिट्स में मेजर नहीं करते तो किस में करते हैं? इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज या पुअर। मतलब आपको ये कहना होता है कि आपने सपोज करो, अगर एक लैपटॉप खरीदा तो आपको एक्सीलेंट उससे सेटिस्फेक्शन मिला, गुड मिला, एवरेज मिला या बहुत गंदा पुअर मिला, बस आपको एक पे टिक करना होता है। तो इन ऑर्डिनल अप्रोच यू हैव टू जस्ट मेजर द यूनिट्स इन पर्टिकुलर डिजिट्स, इन नॉट डिजिट्स, इन पर्टिकुलर सम वर्ड्स, एंड इन दिस यू हैव टू मेजर योर यूटिलिटी इन यूनिट्स, ठीक है। ये थे यूटिलिटी और मेजरमेंट भी मैंने बता दिया। अब जो मेरे आज के दो मेजर टॉपिक है वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो ये यूटिलिटी थी, ये आपकी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थी। अब मुझे ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि इसके काइंड्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं, कि यूटिलिटी के कितने काइंड्स होते हैं। पहला होता है इसमें हमारा टोटल यूटिलिटी, और दूसरा होता है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले टोटल की बात करते हैं। टोटल यूटिलिटी होती है आपकी टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब होता है अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो मार्केट से, तो आपको ओवरऑल पूरा सेटिस्फेक्शन हर एक कस्टमर्स का मानना होता है। इसमें आपके टोटल कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन देखा जाता है। अब मैं बताती हूँ कैसे देखा जाता है। सपोज करो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है, उसमें एक दिन में 10 कस्टमर्स ने कुछ भी चीज बाय की, तो क्या हो गया है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये सारे क्या है? C मतलब कस्टमर्स, और ये होते हैं इनके नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। तो टोटल यूटिलिटी एक आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ओवरऑल यूटिलिटी को कंसीडर किया जाता है। इसमें अगर आपको यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है अपनी शॉप की, तो आप क्या करोगे? C1 प्लस, C2 प्लस, C3 प्लस, C4 प्लस, अब जितना सेटिस्फेक्शन हर एक कस्टमर को मिला उनका टोटल मिला के सम टोटल कर लोगे, और फिर आप लिख लोगे। सपोज करो 100 यूनिट्स है सबको मिला के, तो आप मान लोगे कि ये हमारा अच्छा सेटिस्फेक्शन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप का, अच्छा इनका रिव्यू है। इससे शॉप वालों को क्या फायदा होगा? शॉप वालों की नेम फेम रेपुटेशन बढ़ती है कि हाँ भाई, हाँ हम अच्छी चीज दे बेचते हैं। अब एक बात और है, देखो मैंने इसकी यूनिट लगाई 100 यूनिट्स, तो अब ये बताओ इसमें किस में मेजर की होगी? कार्डिनल अप्रोच में की होगी, ऑर्डिनल अप्रोच में? कार्डिनल में ना, क्योंकि कार्डिनल में यूनिट्स होते 1 से 10 तक यूनिट्स होते हैं। इसमें हर पर्सन अपनी यूनिट्स दे देगा। जैसे कस्टमर वन कहेगा मुझे 7 अमाउंट की, मैं आपको कार्डिनल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मुझे 7 अमाउंट का सेटिस्फेक्शन है। सेकंड कहेगा मुझे 8 का, थर्ड कहेगा मुझे तो 10 का, फोर्थ कहेगा मुझे 1 का। तो इन सबको प्लस कर लूंगा। टोटल यूटिलिटी में आपको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन देखा रहता है। फिर भी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ। इसका टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा MU। अब इसमें ये क्या होता है? ये होता है आपका सिग्मा, और MU मतलब, अभी बताती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगी। पहले मैं आपको सेकंड अप्रोच इसकी बता देती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल जब भी वर्ड आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, या आप अपने 11th को कंसीडर मत करो, 12th को भी करना। जब भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, मार्जिनल का मतलब होता है इंडिविजुअल या सिंगल। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप इंडिविजुअल हर एक पर्सन की सेटिस्फेक्शन को कंसीडर करते हो। टोटल यूटिलिटी तो इकट्ठा उठा के सबको कंसीडर करते हो, बट इसमें आप इंडिविजुअल हर एक पर्सन की सेटिस्फेक्शन को कंसीडर करते हो। जैसे राम का सेटिस्फेक्शन अगर 5 यूनिट्स है तो उसे मानो,
फिर अगर श्याम का 20 है, 10 है, उसे मानो, ये तो यूनिट से, ये आपका इसमें क्या होता है, इसमें आपके पर्सनल हर एक पर्सन की यूटिलिटी को कंसीडर किया जाता है, और टोटल यूटिलिटी में आपके पूरे पर्सन को इकट्ठा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक बात और, मार्जिनल यूटिलिटी में आप देखो, टोटल यूटिलिटी में तो अधिकतर आपको कार्डिनल अप्रोच ही यूज करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो यूनिट्स यूज करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल मार्जिनल अप्रोच में आप ऑर्डिनल अप्रोच को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सिंगल पर्सन से तो आप पूछ सकते हो कि आपकी चीज एक्सीलेंट है, हमारी चीज गुड है, एवरेज है, पुअर है, तो इन कर तो आप वो भी सकते हो, बट आप मार्जिनल यूटिलिटी में आप ऑर्डिनल अप्रोच भी कर सकते हो, कार्डिनल अप्रोच भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको, मैं आपकी फॉर्मूला समझा ली थी ना, TU का फॉर्मूला था सिग्मा MU, यानी सिग्मा मतलब MU हो गए मार्जिनल यूटिलिटी, वही बात है जो मैंने आपको बताई, इसमें सब लोगों की इंडिविजुअल सब लोगों की वॉन्ट्स को प्लस कर दिया जाता है टोटल यूटिलिटी में, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, MU का फॉर्मूला होता है TUM - GUM - 1। अब ये आपको देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी पर्सन का सेटिस्फेक्शन 5 अमाउंट का है, दूसरे का 10 का है, तीसरे का 15 का है, तो आप पहले, आपको मैंने करवा दिया था ना PPC में, इसमें क्या करते थे, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करो, 10 में से माइनस करो 5, 15 में से 10 माइनस करो 5, तो ये 5 अमाउंट का मार्जिनल यूटिलिटी इसमें आ जाएगी। वैसे जब न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के बहुत सारे, जब मैं वो करवाऊंगी तब समझाऊंगी, अभी के लिए आप इसका बस ये देख लो, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये भी कंप्लीट होता है मार्जिनल और टोटल। आज के जो प्रीफेस में मैंने आपको बातें बताई थी, वो मैंने आपको पूरी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। ये थी मेरी आज की टोटल वीडियो, जो थी हमारी पूरी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, यानी यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।